कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्या पूछा गया है? क्रय मूल्य पूछा गया है। क्या पूछा गया? सीपी पूछा गया है, ठीक है ना। वैसे इस वजह से फॉर्मूले से कर रहे थे। फॉर्मूला क्या होता है इसका? क्रय मूल्य बराबर यानी सीपी बराबर क्या रहता है? 10 × √32 प्लस विक्रय मूल्य, मूल्य माइनस क्या होता है? 50, ठीक है ना। ये प्रॉफिट वाला होता है, तब होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य क्या है? 24 रुपए में बेच रहा है, यानी क्रय मूल्य क्या हो गया? 24 रुपए। तो आपको क्या करना है? सीपी बराबर 10 × √25 प्लस 24 माइनस 50 क्या जाएगा? 10 × √ कितना हो जाएगा? 49 माइनस 50। अब ये 49 किसका वर्गमूल होता है? 7 का। कितना आएगा? 10 × 7 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 70 माइनस 50 बराबर कितना आ जाएगा? 20। यानी इसका सीपी कितना आ गया वस्तु का? 20 रुपए हो गया, और यही आंसर है। अब देखो इसको हम इस तरह से नहीं करेंगे, इस सवाल को हम इस तरह से नहीं करेंगे। इसे करेंगे कैसे? इसके लिए जुगाड़ है। वो जुगाड़ क्या है? इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? जैसे कहेंगे 10 × 11 12 × 2 13 × 3 14 × 4 15 × 5 16 × 6 17 × 7 18 × 8 19 × 9, ठीक है ना। अब जो भी क्रय मूल्य दिया रहेगा इसमें से देखेंगे इस टेबल में से वो कौन सा फंस रहा है। जैसे जो 24 दिया है वो कहाँ फंस रहा है? हमारा 12 वाले में, ठीक है ना। 12 × 2 करेंगे कितना आएगा? 24 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। यानी 12 × 2 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, तो जो छोटी वैल्यू इसमें रहेगी, जैसे इसका मल्टीप्लाई क्या है? 12 × 2 है, यानी 2 में 10 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा इसका आंसर? 20 रुपए। बस इतना सा क्लियर है इसका, इतना लंबा नहीं करना ये वाला। हमें क्या करना है? जो भी यहाँ पर वर्णन होगा, जैसे 96 है, मतलब किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य। तो हमें क्या करना है? इस 96 के ऐसे वर्णन करने हैं जिनका अंतर 10 हो। 10 में क्या होगा? 16 × 6 16 × 6 कितना होता है? 96। 16 कितने होते हैं? 96। और इनका अंतर कितना? 16 × 10 = 6। अब करना क्या है, जो छोटी संख्या है उसी में 10 का मल्टीप्लाई कर देना, वही हमारा क्या हो जाता है? सीपी निकल के आ जाता है, ठीक है ना। अब जैसे से एक और चेंज करता हूँ, मैं एक और वैल्यू चेंज कर दूं, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे कितना? 144। यानी किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो देखो इधर हमें क्या करना है, 144 के ऐसे वर्णन करने हैं जिनका अंतर क्या हो जाए? 10 हो जाए। हम किसका करते हैं? 18 और 8 का। 18 कितने होते हैं? 144। इनका अंतर कितना है? 10 है। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें 8 में 10 का वर्णन करना है, यानी सीपी कितना हो जाएगा? सीपी कितना निकल के आ जाएगा? और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सीपी कितना आएगा? 80 रुपए, ठीक है ना। इस तरह के सवालों को करने के लिए केवल इस टेबल को आपको याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना। इससे बाहर कभी भी कोई सवाल नहीं बनता है, ठीक है। चलो अभी था वो प्रॉफिट वाला, अब क्या है? उतने ही परसेंट की इसमें हानि हो रही है, इसका सेकंड टाइप है ये। अब देखो सर सेकंड टाइप को कैसे करते हैं। सेकंड टाइप में क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि होती है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का सीपी क्या है? सीपी पूछ रहा है। अब देखो इसे जो अभी किया था उसी शॉर्टकट से करेंगे। कैसे 24 है, तो हमें कैसे बंधन करने हैं 24 के? 24 कैसे बंधन करने हैं जिनका योग 10 हो जाए। उसमें क्या था? उसमें अंतर 10 होता। प्रॉफिट वाले में अंतर 10 करना रहता है, और माना हानि वाले में, लॉस वाले में क्या करना रहता? योग 10, मतलब उनका गुणनखंड होते हैं, इनको जोड़ के 10 करना रहता है। अब देखो इसे क्या लिखेंगे? 6 × 4, ठीक है ना। इनका योग कितना होगा? 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10। तो बस आपको क्या करना है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 60। और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करो इसमें कितना हो जाएगा? 60। अब देखो 40 रुपए, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा? 40 रुपए। लेकिन एक तरीका होता है, जो लॉस वाले सवाल होते हैं यानी हानि वाले सवाल होते हैं उनमें हमेशा दो आंसर होते हैं। कितने आंसर होते हैं? 2। और उनका जो योग होता है वो कितना होता है? 100 होता है। जो लॉस वाले सवाल होते हैं उनमें क्या होता है कि हमेशा जो दोनों आंसर होते हैं उनको मिलाकर उनका जो योग होता है वो 100 होता है। अब देखो फिर एक बार समझो, देखो 24 है, 24 के में ऐसे गुणनखंड करने हैं इनका योग, मतलब गुणनखंड ऐसे करने हैं जिनमें जोड़ के, यानी वो दोनों गुणनखंडों को जोड़ के योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो 6 और 4 कितना होता है? 24 हुआ। इन दोनों का योग कितना हुआ? 10 हुआ। बस आपको ठाकुर क्या कर देना है कि 6 में 10 का गुणा कर दो तो 60 हो जाएगा, और 4 में 10 का गुणा कर दो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी हमें दो आंसर प्राप्त होते हैं। अब जब भी कोई एग्जाम हो तो उसमें या तो ऑप्शन में होगा केवल 40, या ऑप्शन में होगा केवल 60, या ऑप्शन में दोनों हो सकते हैं 60, 40। तो आपको जो भी ऑप्शन मिलेगा, केवल 40 वाला मिलता है तो 40 सही हो जाएगा, केवल 60 वाला मिलता है, केवल एक ही दिया है 40 नहीं दिया, 60 दिया केवल, और ये भी नहीं दिया है, तो आपको केवल 60 वाला सही कर देना है। अगर जो मान लो 40 दिया, 40 भी नहीं दिया है और 60 भी नहीं दिया, तो आपको फिर एक ऑप्शन मिलेगा 60 और 40, तो आपको फिर वो वाला आंसर सही करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें कितने आंसर आते हैं? यानी दो आंसर होते हैं।
तो आपको दो आंसर करने रहेंगे। अब देखो इसको मैं एक बार फिर एक सवाल फिर चेंज करता हूँ। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे किसी वस्तु को मतलब 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब देखो हमें किसके ऐसे बंधन करने रहेंगे कि जिनका अंतर कितना हो जाए, योग कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो 21 को हम क्या ले सकते हैं, 21 को 3 × 7 और 7 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इनका दोनों का योग कितना होगा, 7 और 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 10। तो बस हमें ऐसे बंधन करने हैं जिनका योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब बस सीधा उठा के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 10 में 3 का कर दो 30 हो जाएगा, और 7 में कितने का कर दो, 7 में कर दो 10 का कितना हो जाएगा, 70। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30 रुपया या 70 रुपया, ठीक है ना। अब देखो ये जो टेबल हमने आपको इधर लिखी है, आपको जब भी किसी भी एग्जाम में सवाल मिलेगा तो इस टेबल से बाहर नहीं होगा। तो आपको बस ये याद कर लेनी है, कैसे याद करोगे, 1 × 9 भी लिखो, ठीक है ना, 1 × 9, 2 × 8, 3 × 7, 4 × 6, 5 × 5 और 6 × 4। अब आगे लिखेंगे, जैसे मान लो मैं लिखूं आगे, जैसे मैं क्या लिखूं, 7 × 3, तो क्या होता है, रिपीटेशन हो जाता है, इसलिए हम इसको यहीं पर लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये टेबल याद कर लेनी है इन सवालों के लिए, कौन सी टेबल, ये वाली टेबल, ठीक है। और इससे आपका कोई भी क्वेश्चन हानि वाला जो लॉस वाला दिया होगा वो बचेगा नहीं। और जो पीछे बताई थी टेबल, उसमें क्या करना, उस टेबल को कर लेगा तो प्रॉफिट वाला कोई भी सवाल नहीं बचेगा। किसी बुक से देख लेना, कहीं से भी देख लेना, कोई क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है इससे बाहर, ठीक है। चलो।